नमस्कार दोस्तों, आज हम विश्व के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के बारे में संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। तो आइए उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यह वीडियो का दूसरा भाग है। आज के पहले व्यक्ति हैं चंद्रगुप्त मौर्य, शासन 321 से 298 ईस्वी पूर्व, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। उन्होंने मौर्य साम्राज्य का अफगानिस्तान तक विस्तार किया। इनके शासनकाल के दौरान ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज भारत आया था। अगले व्यक्ति हैं चंगेज खान, 1162 से 1227 ईस्वी, मंगोल योद्धा जिसने मंगोल साम्राज्य को चीन, रूस के अधिकांश भागों और पूर्व में काला सागर तक फैलाया। चंगेज खान का साम्राज्य अभी तक का सर्वाधिक विशाल साम्राज्य था। अगले व्यक्ति हैं चियांग काई शेक, 1887 से 1975 ईस्वी, चीनी राजनीतिज्ञ जिन्हें चीन के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है, 1926 से 28 ईस्वी, बाद में राष्ट्रवादी सरकार का नेतृत्व किया, 1928 से 49 ईस्वी। 1949 ईस्वी में चीनी क्रांति के बाद ताइवान में निर्वासित सरकार का नेतृत्व। अगले व्यक्ति हैं रॉबर्ट क्लाइव, 1725 से 1774 ईस्वी, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक। 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई में बंगाल के शासक सिराजुद्दौला को परास्त करके ब्रिटिश राज्य की नींव रखी। अगले व्यक्ति हैं क्रिस्टोफर कोलंबस, 1451 से 1506 ईस्वी, इतावली भौगोलिक अन्वेषण करता जिन्होंने 1498 ईस्वी में अमेरिका की खोज की। अगले व्यक्ति हैं निकोलस कोपरनिकस, 1473 से 1543 ईस्वी, पोलिश खगोलशास्त्री जिन्होंने प्रतिपादित किया कि पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगले व्यक्ति हैं साइरस, ईरान का महान शासक जिसने बेबीलोन को पूर्व में पराजित करके अपने साम्राज्य को एशिया माइनर तुर्की तक फैलाया। अगले व्यक्ति हैं दादा भाई नौरोजी, 1825 से 1917 ईस्वी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात दादा भाई नौरोजी तीन बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय। अगले व्यक्ति हैं दारा शिकोह, 1614 से 1659 ईस्वी, मुगल सम्राट शाहजहां का वरिष्ठ पुत्र जिसकी हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध दारा ने गीता का फारसी में अनुवाद करवाया था। अगले व्यक्ति हैं दारा प्रथम, 548 से पूर्व, फारस के सम्राट। उन्होंने पूर्व में यूनान पर आक्रमण किया किंतु मैराथन के मैदान में पराजित। अगले व्यक्ति हैं दयानंद सरस्वती, 1824 से 1883 ईस्वी। इन्होंने 1875 में सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए आर्य समाज की स्थापना की। वेदों के ईश्वरीय वाणी होने का समर्थन करते हुए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। अगले व्यक्ति हैं डुप्ले, 1697 से 1764 ईस्वी, भारत में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल जिसने अंग्रेजों के खिलाफ द्वितीय कर्नाटक युद्ध में विजय प्राप्त की। अगले व्यक्ति हैं एडविन लुटेंस, ब्रिटिश वास्तुकार जिसने नई दिल्ली का निर्माण किया। अगले व्यक्ति हैं ड्विट डेविड आइजन हावर, 1890 से 1969 ईस्वी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर, बाद में वे संयुक्त राज्य अमेरिका के 34वें राष्ट्रपति बने। अगले व्यक्ति हैं एकनाथ, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संत व कवि जिन्होंने मराठी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया। अगले व्यक्ति हैं फाहयान चंद, रघुगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आने वाला पहला चीनी यात्री। उसके लेखों को गुप्त काल का ऐतिहासिक प्रमाण माना जाता है। अगले व्यक्ति हैं फिरदौसी, 930 से 1020 ईस्वी, फारसी भाषा के प्रसिद्ध कवि जिनक कालजयी कृति शाहनामा में प्राचीन फारस की गाथा गाई गई है। अगली महिला है फ्लोरेंस नाइटिंगल, 1820 से 1910 ईस्वी, क्रीमिया युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा हेतु संगठित प्रयास करने वाली प्रसिद्ध नर्स। इन्हें लेडी विद द लैंप के उपनाम से भी जाना जाता है। अगले व्यक्ति हैं गुरु गोबिंद सिंह, 1666 से 1708 ईस्वी, सिखों के 10वें व अंतिम गुरु जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की आनंदपुर, 1699 ईस्वी, सिखों को एक लड़ाकू जाति के रूप में व्यवस्थित किया। अगले व्यक्ति हैं महात्मा गांधी, 1869 से 1948 ईस्वी,
बापू व राष्ट्रपिता के नाम से विख्यात महात्मा गांधी को विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक माना जाता है। उन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए सत्याग्रह व अहिंसा जैसे अभिनव अस्त्रों का प्रयोग किया। 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। अगले व्यक्ति हैं गैरिबाल्डी 1807 से 1882 ईस्वी, इटली के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई। इन्होंने मैजिनी के साथ मिलकर इटली में यंग इटली मूवमेंट चलाया। अगले व्यक्ति हैं गोपाला बंगाल के पाल वंश के संस्थापक। अगले व्यक्ति हैं गोविंद महानतम राष्ट्रकूट शासक जिसने प्रतिहार चोल पांड्य गंगा व पल्लव को हराया। अगले व्यक्ति हैं गुरु नानक देव 1469 से 1538 ईस्वी, सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु। इनका जन्म नानकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। अगले व्यक्ति हैं गुरु तेग बहादुर, ये सिखों के 9वें गुरु थे। 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। अगले व्यक्ति हैं कैप्टन जेम्स कुक 1728 से 1779 ईस्वी, ब्रिटिश नौचालक जो अंटार्कटिक वृत्त दक्षिण की यात्रा करने वाले प्रथम मानव बने। उन्होंने प्रशांत महासागर की भी खोज की। अगले व्यक्ति हैं चार्ली चैपलिन 1889 से 1977 ईस्वी, इंग्लैंड में जन्में विश्व ख्यात अमेरिकी हास्य अभिनेता और निर्देशक। प्रमुख फिल्में द ट्रैम्प, द किड, द गोल्ड रस्ट, द सर्कस, सिटी लाइट्स, द ग्रेट डिक्टेटर, लाइमलाइट। अगले व्यक्ति हैं चार्ल्स डार्विन 1809 से 1862 ईस्वी, महान जीव वैज्ञानिक जिन्होंने दक्षिणी सागर के वन्य जीवन का गहरा अध्ययन करने के उपरांत अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की रचना की। उनके अनुसार मानव का विकास वानर समान पूर्वज से हुआ है। अगले व्यक्ति हैं चार्ल्स डिकेंस 1812 से 1870 ईस्वी, विक्टोरियन इंग्लैंड के महानतम उपन्यासकारों में से एक, प्रसिद्ध उपन्यास ओलिवर ट्विस्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, डेविड कॉपरफील्ड आदि। अगले व्यक्ति हैं कन फ्यूशियस लगभग 551 से पूर्व, चीनी दार्शनिक और राजनीतिक चिंतक जिनके चिंतन का प्रभाव चीन में आधुनिक काल तक रहा। अगले व्यक्ति हैं कार्ल बेंज 1844 से 1929 ईस्वी, जर्मन इंजीनियर जिन्होंने 1895 ईस्वी में आंतरिक दहन इंजन इंटरनल कंबस्टन इंजन का आविष्कार किया। अगले व्यक्ति हैं एडवर्ड जेनर 1749 से 1823 ईस्वी, अंग्रेज वैज्ञानिक जिसने चेचक स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किया। अगले व्यक्ति हैं गैब्रियल फारेनहाइट 1686 से 1736 ईस्वी, जर्मन डच वैज्ञानिक जिन्होंने प्रथम मरकरी और फारेनहाइट थर्मामीटर का निर्माण किया। अगले व्यक्ति हैं गुग्लिमो मार्कोनी 1874 से 1937 ईस्वी, इतालवी विद्युत इंजीनियर एवं रेडियो का आविष्कारक। 1909 ईस्वी में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगले व्यक्ति हैं गैलीलियो 1564 से 1642 ईस्वी, इतालवी खगोलविद जिन्होंने शक्तिशाली दूरबीन का आविष्कार किया और बृहस्पति के उपग्रहों की खोज की। उन्होंने सूर्य केंद्रित कोपरनिकस सिद्धांत का समर्थन किया जिसके फलस्वरूप उन्हें मृत्युदंड दिया गया। अगले व्यक्ति हैं ग्रेगर जोहन मेंडल 1822 से 1884 ईस्वी, ऑस्ट्रियाई वनस्पति शास्त्री जिन्होंने अनुवांशिकता के सिद्धांतों की खोज की। अगले व्यक्ति हैं गार्टलिक डेमलर 1834 से 1900 ईस्वी, आंतरिक दहन इंजन के आविष्कारकर्ता जिन्होंने कार्ल बेंज के साथ संयुक्त रूप से डेमलर बेंज कंपनी की स्थापना की। अगले व्यक्ति हैं जॉन डाल्टन 1766 से 1844 ईस्वी, अंग्रेज रसायन शास्त्री जिन्होंने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया और परमाणु भारों एटॉमिक एनर्जी की आवर्त सारणी का प्रकाशन किया। अगले व्यक्ति हैं जॉर्ज वाशिंगटन 1732 से 1799 ईस्वी, अमेरिकी जनरल और प्रथम राष्ट्रपति 1789 से 92 ईस्वी। 1781 ईस्वी में यॉर्कशायर में कॉर्नवालिस को पराजित किया जिससे अमेरिका को स्वतंत्रता मिली। 1789 ईस्वी में अमेरिका के प्रथम राष्ट्राधिपति बने। अगले व्यक्ति हैं जॉन एफ कैनेडी 1917 से 1963 ईस्वी, 35वें अमेरिकी राष्ट्रपति 1960-65। इनके कार्यकाल में ही क्यूबा में सा इल संकट पैदा हुआ 1962 ईस्वी, किंतु इनके कार्यकाल के दौरान ही आंशिक परमाणु प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए गए 1963 ईस्वी।
1963 में डलास में हत्या। अगले व्यक्ति हैं जॉन कैबो 1425 से 1500 ईस्वी, इतालवी भौगोलिक अन्वेषणकर्ता और नौचालक। इंग्लैंड के शासक हेनरी सप्तम के प्रोत्साहन के अंतर्गत उत्तरी अमेरिकी की खोज की। अगले व्यक्ति हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 1856 से 1950 ईस्वी, आयरलैंड में जन्में, नाटककार एवं आलोचक। प्रमुख नाटक सीजर एंड क्लियोपेट्रा, मेजर बाबरा, पिग्मेलियन इत्यादि। अगले व्यक्ति हैं जीसस क्राइस्ट पूर्व से 30 ईस्वी, ईसाई धर्म के संस्थापक, बेथलेहम में जन्म, बाल्यावस्था नाजरेथ में बीती। जॉन द बैप्टिस्ट के द्वारा बपतिस्मा। 30 ईस्वी में जेरूशलम में आगमन, इनके शिष्य जुडास ने धोखा देकर उन्हें पकड़वाया, ईशनिंदा के आरोप में सूली पर चढ़ाए गए, अपनी मृत्यु के 2 दिन बाद पुनर्जीवित हुए। अगले व्यक्ति हैं जेम्स वॉट 1736 से 1819 ईस्वी, स्कॉटलैंड के इंजीनियर जिन्होंने प्रथम बार वाष्प शक्ति का अवलोकन किया। इनके नाम पर ही शक्ति की एक मापन इकाई का नाम वॉट रखा गया। अगले व्यक्ति हैं जोसेफ प्रीस्टले 1733 से 1804 ईस्वी, अंग्रेज रसायन शास्त्री जिन्होंने ऑक्सीजन, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की खोज की। अगले व्यक्ति हैं जॉन मिल्टन 1608 से 1674 ईस्वी, इंग्लैंड के ख्याति प्राप्त महाकाव्य लेखक और कवि जो अंधे थे। इनके प्रसिद्ध महाकाव्य पैराडाइज लॉस्ट तथा पैराडाइज गेन्ड। अगले व्यक्ति हैं जीन हेनरी डुनेंट 1509 से 1564 ईस्वी, स्विस समाजसेवी जिन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की 1864 ईस्वी, जिनेवा कन्वेंशन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगले व्यक्ति हैं जस्टिनियन प्रथम 483 से रोमन बाइजेंटिनियाई सम्राट जो अपने प्रशासनिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध थे। अगले व्यक्ति हैं जोसे डी सैन मार्टिन 1778 से 1850 ईस्वी, अर्जेंटीनियाई क्रांतिकारी जिन्होंने दक्षिणी अमेरिकी देशों को स्पेनी औपनिवेशवाद से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनके प्रयासों से अर्जेंटीना 1814 से 16 ईस्वी, चिली 1817 से 18 ईस्वी और पेरू 1821 ईस्वी को स्वतंत्रता मिली। और आज के आखिरी व्यक्ति हैं जैकस कार्टियर 1491 से 1577 ईस्वी, फ्रांसीसी नौचालक जिन्होंने न्यूफाउंडलैंड कनाडा की खोज की। आज के लिए इतना ही, अगला भाग हम जल्द ही अपलोड करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद।